सबको देखना, सबको एक्सेप्ट करना, उनकी तारीफ करना, फैन पेजेस सबको बुलाया, फैंस जब अभी बता रहा हूं कि फैंस अजलान पावर कितनी है एसआर के फैंस में, आप बताएं जरा, फिर हम करेंगे, क्या कहते हैं आप? सर एसआर के फैंस जो है ना वो दुनिया भर में है, और मैं अब आपको एक बात बताऊं, अभी खुलकर सामने आ गए, ठीक है, खुल के सामने आ भी गए, और व्हाट आई पर्सनली थिंक कि जो जितने भी फैंस हैं ऑन सोशल मीडिया सबको देखते हैं लोग, इनकी पूरी एक टीम है जिसको पूजा डडलानी लीड करती है, एंड आई बिलीव पूजा डडलानी के नीचे जितने भी लोग होंगे ना उनका काम है कि किस कंट्री में एसआरके के फैंस हैं, किस कंट्री में प्यार मिल रहा है, इंडोनेशिया का मीटअप आप देख लें, बहुत आला, बहुत आला, बहुत सही आला। है, तो हमें नोटिस किया जाता है, हमें lovely, देखते हैं, लवली, और इन सबको जैसे आप मुझे पॉडकास्ट से पहले बता रहे थे, ये आप इस चीज को प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, स्ट्रक्चर बता दूं मैं, मेरे अंदाजे पूजा डडलानी इसको लीड करती है, अब आप बताएं सर इस चीज को, मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे अंदाजे के मुताबिक स्ट्रक्चर ये है शायद कि शाहरुख खान साहब ने ना अपने करीब करीब जितने भी लोग रखे हैं सारे उनको समझने वाले हैं, मतलब उनके ट्रू फैंस, पूजा डडलानी इज़ इन माय ओपिनियन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ शाहरुख खान, ठीक है, उसकी वजह ये है कि पूजा डडलानी जो है आपको साई की तरह दिखेगी बिल्कुल उनके साथ, ठीक है, मैनेजर है लेकिन 12 से 18 घंटे साथ है, मैनेजर है लेकिन पर्सनल लाइफ के अंदर भी साथ है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनमें साथ खड़ी हुई है, ज़्यादा में हम डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन जो भी प्रॉब्लम है उनमें साथ खड़ी हुई है, एंड इसी तरह से नॉट ये मैनेजर सिर्फ ये नहीं है, ब्रांड सारे देखना, केकेआर को देखना, केकेआर को भी देखना, जो उनकी टीम है, जो उनकी टीम है केकेआर, मैं केकेआर के बचा रहा हूं, केकेआर को भी देखना, ठीक है, और इसके अलावा ब्रांड्स जितने भी ना सारे उनको देखना, मूवीज को देखना, मीटअप को देखना, संभालना, तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे, इसका मतलब ये कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अकेली तो नहीं देखती होगी, तो बहुत सारे रेड चिलीज को भी देखना, हाँ, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके अंडर हैं, और उन डिपार्टमेंट्स में जितने भी लोग काम करते हैं वो भी शाहरुख खान के फैंस हैं, ये समझना ज़रूरी है, और फिर आप जब इस पूरी चेन के अंदर जहाँ तक नीचे आते रहेंगे आपको फिर छोटे छोटे कारकुन भी देखेंगे उसमें, ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो दिस वे और दैट वे आप उनसे मिल लेंगे, और बहुत ही उनके काम के हैं, अगर आप बहुत उनको वैल्यू दे सकते हैं तो आप पूजा डडलानी बन सकते हैं, सिंपल है, बन सकते हैं, आपके स्टाइलिस्ट बन सकते हैं उनके, आप उनके जो है अगर समझते हैं उनको, समझते हैं उनको, स्टाइलिस्ट बन सकते हैं आप उनके, आप उनकी क्या चीज़, फॉर एग्जांपल तेरे से ऐसी सवाल है कि अगर तुम चाहो कि तुम्हारा, मेरा विजन ये है कि यार उनके लिए मैं ये काम करूं, जस्ट ऐसी इमेजिनेशन, तो आपका क्या विजन है, आप क्या काम करेंगे उनके लिए? सोशल मीडिया देखना उनका, आई थिंक ये सोशल मीडिया देखूंगा मैं उनका, पूरा 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 इवन, हाँ बहुत सारी चीजें हैं इसके, मेरे बाप में बहुत कुछ है ब्रो, अच्छा आप सोशल मीडिया देखेंगे, मतलब आप एक डेस्क वाली जॉब, या मैं उनका सिक्योरिटी गार्ड बनता, बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि वो जो सिस्टम है ना वो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं तो प्रोफेशनल लेकिन ट्रू एसआर के फैंस हैं, सो पूजा को पता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में एक है ना हैंड ऑफ द किंग वाला कॉन्सेप्ट, कि हैंड ऑफ द किंग, और फिर स्मॉल काउंसिल बैठती है, सबके सब एक साथ जो है ना प्लान कर रहे होते हैं, और रेलम की जो है ना वो प्रोटेक्ट करना है उसको, ही इज द किंग, उसको इस तरह से लेके चलना है, यस सर एक बात बताइए, यस शाहरुख खान साहब की जिंदगी में पूजा डडलानी आई कब है? गुड पॉइंट, 1983 की उनकी पैदाइश है, इसका मतलब ये है कि जब DDLJ हिट हुई है तो पूजा डडलानी, वेरी गुड पॉइंट, वेरी थैंक यू वेरी मच, तो इसका मतलब है कि DDLJ जब हिट हुई है तो जो पहली फैन बेस बनती है रोमांस वाली, पूजा डडलानी उस जनरेशन का हिस्सा है, पूजा डडलानी की डेट ऑफ बर्थ बताइएगा? 2nd November, खान साहब की 2nd November, एग्जैक्टली, ओह अब जब इनके साथ होते हो तो मैं सैलरी और ये सारे पैसे डिस्कस नहीं करूँगा, मुझे पता है, लेकिन आप एक बिलियनियर के साथ हो, बिलियनियर इन नॉट इन मनी, बिलियनियर इन पीपल, ठीक है, 3.2 बिलियन पीपल उनको जानते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा तबका उनको, उनसे मोहब्बत करता है, तो जाहिर सी बात है मनी इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ जॉब वेल डन, वो तो पैसा आ ही जाता है, सो ये है पूरा मेरा ओपिनियन पूजा डडलानी को लेके और SRK फैंस की पावर को लेके, पूजा डडलानी एक ट्रू SRKN है,